तो वेलकम बैक एवरीवन। सो पहला प्रोसेस जो था वो था पैकिंग, वो तो हो गया, लेकिन आज है लोडिंग का टाइम। तो कैपेसिटी की बात करें तो ये होने वाली है अपनी पूरी कैपेसिटी, इसमें पूरा अपना सामान आ जाना चाहिए। और ऑनेस्टली यार बहुत ज़्यादा हम लोग ना थक चुके हैं, बहुत टायर्ड हो गया सब कोई। तो ये हमारा फ्रिज, तो गाइस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ये फ्रिज नहीं, ये दीवान था, पर इस मेंटल किया फ्रिज वहाँ आ रहा है अभी। इन दोनों को थोड़ा सा ना इधर कर दीजिए क्योंकि गाड़ी को आने में दिक्कत होगा। थोड़ा थोड़ा सामान नीचे जाना चालू हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ एक बार कितना हो। यार ये फिर से रह गया। तो मेरे लिए टेंशन का कारण ये है कि काफ़ी छोटा ट्रक है, ऊपर से ये जो अभी सामान आया है ये सब अभी सिर्फ ये 20% सामान है। इसके बाद हमारे पास झूला है, गमले हैं, ये सब का कैसे सेट करना है उसका थोड़ा सा यू नो थोड़ा सेटिंग प्लान करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं यार, ये इन लोग का टेंशन है, आप लोग देखते हैं इनको क्या है। अपन ओवरऑल जो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है ना यार, ये बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली अगर आप लोग शिफ्टिंग कराना स्टार्ट करने वाले हो या फिर होने वाला है, तो एक वॉलिनी होता है स्प्रे, वो हमेशा रखना, क्योंकि मैं सबसे पहले वही खरीद के लाया और ट्रस्ट मी वो बहुत ज़्यादा काम आया। काफ़ी लोग ने पूछा कि आप रेनू सागर छोड़ रहे हो, बुरा नहीं लग रहा? वेल हैप्पीनेस डजंट हैव जस्ट वन एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें ना होती रहेंगी। तो अपन का क्या है, हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी कैन क्रिएट। हाँ, तो हमेशा आप लोग ढूंढो कि अपना कैसे हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, लुक फॉर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। और यार बुरा तो लगता ही है, अब यहाँ पे 24 साल रहा है इंसान। तो पापा वहाँ खड़े हैं, पापा एकदम टेंशन में कि सब में पूरा सामान हटेगा कैसे। गाइस दिवाली आने वाला है, तो आप सबको अ वेरी हैप्पी और सेफ दिवाली। तो आप लोग खूब इन्जॉय करो और मिलते रहेंगे अपन। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी घर के जाले साफ कर रहे होगे, अपना घर पूरा साफ कर रहे होगे, और लाइट्स लगाना अभी तक स्टार्ट हो गई। तो गाइज मैंने इन लोग से बात की, इन्होंने कहा कि इट विल टेक समवेयर अराउंड 2 days टू रीच दैट जमशेदपुर। तो हमारा अकोमोडेशन 2 दिन के लिए गेस्ट हाउस में है इधर ही पास। यहाँ से जमशेदपुर का रास्ता तो ख़राब है, बिकॉज देर आर 2 ways, एक तो तुम्हारा लातेहार होते हुए है, दूसरा है ग्रैंड ट्रंक रोड लेके। तो ग्रैंड ट्रंक वाला रोड जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाता है, तो ये लोग शायद वही छोटा रास्ता जाएंगे। सेकेंडली गाइस, इंसान के ना फितरत में ही होता है परेशान होना, क्योंकि देखो यार सामान इतना इजीली आराम से आ गया, उसमें इतना टेंशन ले रहा था हम लोग कैसे आएगा, इतना सारा सामान है, ये वो, इतना सामान था भी नहीं, जबकि चलो अच्छा है आ गया, टेंशन खत्म। तो एक बार अभी घर जाके ना और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितना सामान और बच रहा है। ये बार बार नीचे क्यों हो रहा है? ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है, सिर्फ एसी और थोड़े बहुत गमले बच रहे हैं, बाकी सब डन है। तो सब सामान हो गया है लोड, अब हमारे छोटे छोटे गमले बचे हैं। तो एक हमारे पास वैसे तो काफी सारे यूनिक गमले हैं, एक मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो है ये है बरगद का बॉन्ज़ाई, और ये मुझे बहुत पसंद है एक्चुअल में, ये मेरे बर्थ से भी पहले का है। तो इसको ना एक बड़े भाई जैसा ट्रीट किया जाता है घर में। हाँ तो गाइस थोड़ा बहुत पेपर वर्क करने आए थे हम लोग इधर मेन गेट हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के, तो पेपर वर्क तो हो गया है। हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर है वीरेंद्र पूनिया, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने पूरा असाइनमेंट करवा दिया अभी। तो अभी जा रहे हैं अपन वापस घर। तो ये फाइनल सब पैक हो गया, ऊपर से लग रहा है शीट ताकि बारिश हो जाए तो भींगे ना, इसको ऊपर से बांध दिया गया है
क्योंकि रास्ता मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो कहीं से गिर ना जाए। अरे गिटार को वापस छोड़ दी। नहीं नहीं गिटार के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है, गिटार जाएगा सबसे आगे फ्रंट सीट पे। सब पैक हो गया अपना और अब गाड़ी निकलेगी, हम लोग निकलेंगे गेस्ट हाउस, थोड़ा फ्रेशन हो गए। सी यू एट जमशेदपुर। एक काम हो गया ख़त्म, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने। और क्या फंस गया, और भाई बस चलते हैं। वैसे अभी बज रहा है दिन का एक और हम लोग जा रहे हैं गेस्ट हाउस, साथ में बैठी है मम्मी और दादी। सिद्धार्थ बोलेगा, क्या बोलेगा यार, गाड़ी चलाते समय नहीं बोलता बच्चा, गुड बॉय है। तो अभी सामान रखते हैं, अभी पापा को कुछ कुछ काम है, तो उसके वापस से अभी क्वार्टर पे जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आके रेस्ट करेंगे। अभी हमारी हो गई यहाँ पे एंट्री, अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान हट, वहाँ पे है हमारा स्टे। तो हमारे साथ अभी है अंकल, अंकल आपका नाम क्या है? विजय। विजय हमारे साथ, विजय जी हैं हमारे, हमें गाइड करेंगे कहाँ जाना है, तो लेके चलते हैं। फाइनली आ गए अपन अपने रूम में और अब भाई कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ सो जाएंगे थोड़ी देर। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक बार रेनू सागर का ये वाला गेस्ट हाउस दिखा देते हैं, क्योंकि ये वाला शायद किसी ने नहीं देखा होगा अभी तक। तो ये है अतिथि गृह और इसके जस्ट सामने है इंजीनियर्स हॉस्टल, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और ये रहा भाई साहब ये पूरा गेस्ट हाउस। यहाँ पे बैठने उठने का सही व्यवस्था दिया है, पुराने जमाने का टीवी दिया गया है, बेड डबल बेड सोफा एंड देयर इज वन मोर बेड आई गेस, पता नहीं क्या है, वो बेड ही है, एक ड्रेसिंग टेबल भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो हल्की से भी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। Okay.